गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सजीवों की जंतुओं में अनुकूलन और विशेषताएं। पिछली बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके थे, आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कौन कौन से इसमें छूट गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतारने हैं, प्लस इनके आंसर मैं यहाँ पर राइट भी कर रही हूँ और बोल भी रही हूँ, तो आपको नीट और क्लीन अपनी नोटबुक में उनको लिखना भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले है सजीवों में अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। देखो, अनुकूलन मैंने बताया था आपको, अनुकूलन किसे कहते हैं? परिस्थिति विशेष में अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना अनुकूलन कहलाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को उस परिस्थिति ठंडी वातावरण के अनुकूल अपना खुद को ढाल लेते हैं। मरुस्थली क्षेत्र में हम देखते हैं जैसे ऊँट है, खरगोश है, ये अपने आप को उस मरुस्थली वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। तो इस प्रकार अनुकूलन से अभिप्राय क्या है कि अपने अकॉर्डिंग उसमें खुद को ढाल लेना। तो सजीवों की ये शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए अनुकूल करते हैं, सजीवों की शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरण में रहने के अनुकूल करती है, अनुकूलन कहलाती है। क्लियर है? विशेष शारीरिक विशेषताएं जो मैंने देखा, मैंने आपको बताया था, जैसे पक्षी हवा में उड़ने के लिए उनकी हड्डियां खोखली होती है, पंख दिए गए होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ ठंडे रेगिस्तान में जीव जंतु रहते हैं तो उनकी खाल मोटी होती है ना, उनके नथुने लंबे होते हैं ताकि वो बर्फ पे आसानी से चल सके, लंबे फर होते हैं। तो ये शारीरिक विशेषताएं उस अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। मरुस्थल में देखें तो ऊँट है जिसके पैर गद्देदार होते हैं, जिसकी खाल मोटी होती है, तो जल का वाष्पोषण भी बहुत ही कम होता है। सामान्य स्थलीय आवास से क्या अभिप्राय है? सामान्य स्थलीय आवास जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, है ना, सामान्य स्थलीय आवास से आपका क्या प्रभाव है? पृथ्वी पर सामान्य स्थलीय आवास में आपके क्या आ जाएगा? पृथ्वी पर सामान्य पर्यावरणीय अवस्थाओं में रहने वाले जीव जंतु सामान्य स्थलीय आवास कहलाते हैं, क्लियर है? अब बंदरों में पूंछ की उपयोगिता क्या है? बंदर आपको पता है कि पेड़ों पर रहते हैं, है ना, तो पूंछ की उपयोगिता क्या है? पूंछ बंदरों को संतुलन बनाए रखने, डाली को पकड़ने, एवं अपनी सुरक्षा के लिए काम में आती है, ओके, पूंछ संतुलन बनाए रखती है, डाली को पकड़ती है, सुरक्षा के लिए काम में आती है। तो इस प्रकार बंदरों की पूंछ काम में आती है। गलफड़ी क्या होती है और किन प्राणी में पाए जाते हैं? देखो, गलफड़े होते हैं श्वसन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं ये? श्वसन
छिद्र, श्वसन छिद्र होते हैं जो कि जलीय जंतुओं में पाए जाते हैं, जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे मछली। ओके, श्वसन छिद्र, गलफड़ों से मछली सांस लेती है। तो गलफड़े क्या होते हैं? श्वसन छिद्र होते हैं जो कि जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि मछली। ओके, क्लियर इट? अब आगे देखते हैं हम, कौन से आवास के प्राणी अधिकतर रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर होते हैं जो कि रात को विचरण करने वाले होते हैं। ओके, तो वो कौन से होते हैं? स्थलीय आवास के जंतु होते हैं रात्रिचर। कौन से आवास के? स्थलीय आवास के जंतु रात्रिचर होते हैं। पृथ्वी पर किस प्रकार के क्षेत्रों को शीत मरुस्थल? मरुस्थल ने हमने देखा, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीत। उष्णी मरुस्थल में तो आपके रेगिस्तान आ गया, शीत मरुस्थल में आपका क्या हो गया? शीत मरुस्थल में आ जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के, ध्रुवीय क्षेत्रों के स्थल शीत मरुस्थल कहलाते हैं, शीत मरुस्थल कहलाते हैं। ओके, ध्रुवीय क्षेत्रों के स्थल जो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ गिरती है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्पेशलिटी 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। वहाँ पर सदा 12 महीनों क्या होती है? बर्फ गिरती रहती है, बर्फीली वहाँ पर जगह है। ओके, तो वहाँ उसे शीत मरुस्थल कहते हैं। उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियों की विशेषताएं क्या होती है? जस्ट मैंने अभी रिपीट किया था थोड़ी देर पहले कि उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियों की विशेषता क्या होती है, उनकी उड़ने वाले पक्षियों की, उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है एवं इनमें वायुकोश पाए जाते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ओके, तो उड़ने वाली पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? खोखली होती है और उनमें वायुकोश पाए जाते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। ये हो गया आपके। पेंगुइन झुंड में क्यों रहते हैं? पेंगुइन, पहले तो ये बताइए कि पाए कहाँ जाते हैं? मैंने बताया था पिछली क्लास में, यस, पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब वो झुंड में क्यों रहते हैं? अपने आप को शीत से बचाने के लिए। ओके, अपने आप को शीत से बचाने के लिए पेंगुइन झुंड में रहते हैं। ओके, फिर ध्रुवीय आवासों में पाए जाने वाले दो जंतुओं के नाम, सबसे पहला तो हम पेंगुइन ही ले लेते हैं, पेंगुइन, और सेकंड है रेंडियर। ये दो हैं जो कि आपके ध्रुवीय आवास में पाए जाते हैं, पेंगुइन और रेंडियर। स्थलीय, 10th आपका क्वेश्चन है, स्थलीय आवासों के प्रकारों के नाम बताइए एवं उदाहरण दीजिए। अब स्थलीय आवास के प्रकार कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहले तो हम उसके प्रकार लिख लेते हैं। प्रकार कौन कौन से हो गए? फर्स्ट है आपका सामान्य स्थलीय आवास, सामान्य स्थलीय आवास। सेकंड है मरुस्थलीय आवास, थर्ड है ध्रुवीय आवास, फोर्थ है वायु में उड़ने वाले
फिफ्थ है आपके पर्वतीय आवास, पर्वतीय आवास, ओके। तो सामान्य स्थलीय आवास में कौन कौन से आ जाएंगे? सामान्य स्थलीय आवास में आपके जीव जंतु आ जाएंगे, शेर, चीता। मरुस्थलीय आवास में सबसे पहला है ऊंट, खरगोश, ये भी मरुस्थल में पाया जाता है। ध्रुवीय आवास में हम ये लिख सकते हैं पेंगुइन, रेनडियर। वायु में उड़ने वाले दो पक्षियों के नाम लिख सकते हो आप, कबूतर, तोता। पर्वतीय आवास में आप लिख सकते हो भालू, है ना, सियार। लोमड़ी लिख लो। इस प्रकार हमारा ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जितने भी बनते थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से वीडियो को सुन के और अपनी नोटबुक में आपको उतारने हैं। थैंक यू सो मच।